नमस्कार, आप देख रहे हैं दास्तां कल आज और कल। मेरा नाम है डॉक्टर कृतिका चौबे। मैं पेशे से एक दंत चिकित्सक हूं और भोपाल में कई समय से अपनी सेवाएं दे रही हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हम सभी की जीवन शैली और कार्यशैली में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे भारत में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के मन में इसके प्रति नकारात्मक भाव और डर बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक पॉजिटिविटी के साथ और नई विचारधारा के साथ इसका डटकर सामना करें। कार्यशैली में बदलाव की जहां तक हम बात करें तो डेंटिस्ट्री में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो सलाइवरी सिक्रीशन, नेजल सिक्रीशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। और डेंटिस्ट जो होते हैं सबसे पहले इन तीनों चीजों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनके संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, जैसे कि प्रायर अपॉइंटमेंट। तो यदि आप अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहते हैं, उनसे परामर्श करना चाहते हैं, तो आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर ही उनके पास पहुंचना होगा। डेंटल क्लिनिक में प्रवेश करने से पहले आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है और सैनिटाइज किया जाता है आपके हाथों को, तभी आप वेटिंग एरिया में प्रवेश कर सकते हैं। वेटिंग एरिया में भी दो चेयर्स के बीच में कम से कम 3 फीट का फासला हो, इस बात का खास रूप से ध्यान दिया जाता है। प्रोसीजर के दौरान डेंटिस्ट N95 मास्क का, फेस शील्ड का और PPE किट का प्रयोग कर रहे हैं। डेंटिस्ट्री में बहुत सारे मशीन्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि एरोटर है, स्केलर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में एरोसोल्स प्रोड्यूस करते हैं। एरोसोल्स बहुत छोटी महीन बूंदें होती हैं जो एनवायरमेंट में रह जाती हैं। तो यदि किसी सस्पेक्टेड पेशेंट का इनसे ट्रीटमेंट किया जाए तो ऐसे में संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि केवल इमरजेंसी केसेस में ही इन उपकरणों का प्रयोग किया जाए। प्रोसीजर खत्म होने के बाद ध्यान दिया जाता है कि एरिया प्रॉपरली सैनिटाइज हो, डेंटल चेयर प्रॉपरली सैनिटाइज की जाए ताकि संक्रमण को रोक सके। ये थी कुछ गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स जो डेंटिस्ट्री में आए हैं, चेंजेस आए हैं कोरोना महामारी के चलते। मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपने व्यूअर्स को कुछ सलाह देना चाहूंगी। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं, जैसे कि आप अनावश्यक रूप से पहले तो अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि आप अपने घर से किसी कारणवश बाहर निकल रहे हैं तो अपना मुंह कवर करके निकलें फेस मास्क से। यदि आपके पास फेस मास्क ना हो तो आप कॉटन के किसी कपड़े से अपना फेस कवर करके निकलें। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आप अपने आहार में हरी सब्जियों का प्रयोग जरूर करें। अपने आहार में विटामिन सी और फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स का सेवन जरूर करें, जिससे आपका गट स्ट्रांग रह सके और आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके। आपको कम से कम रोजाना आधा घंटा व्यायाम को देना चाहिए और 10 मिनट आप मेडिटेट करें तो आप सभी के लिए मेंटल क्राइसिस से जो हम लोग जूझ रहे हैं, जो क्राइसिस हम हेल्थ क्राइसिस, फिजिकल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस हम बेयर कर रहे हैं, तो मेडिटेशन हमें उनसे हील करने में हेल्प करेगा। तो ये थी कुछ बातें मेरी तरफ से, मेरे कुछ सुझाव, मेरी कुछ राय कोरोना से संबंधित। मैं कामना करती हूं कि आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।